Hello everyone, in this video we will study a new chapter, our environment. So let's start. We see a variety of plants and animals around us. हम हमारे आसपास बहुत सारे different type के plants and animals को देखते हैं, है ना? They may be similar or different depending upon the geographical and climatic condition. सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं. रेयर केसेस में सिमिलर भी दिखते हैं, ठीक है? ये सब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंपेयर करूँ इंडियन पीपल्स को चाइनीज पीपल के साथ, तो क्या हम सेम दिखते हैं? नहीं दिखेंगे. क्यों नहीं दिखेंगे? बिकॉज वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ डिफरेंट, यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ डिफरेंट, है ना? इसीलिए हम लोग का स्किन कलर बहुत डिफरेंस होता है ना? उनका व्हाइट इन कलर होता है, हमारा ब्राउन इन कलर होता है. इवन हमारा आई साइज भी डिफरेंट होता है ना? हमारा थोड़ा बड़ा होता है, उनका बहुत ही छोटा होता है. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन. ओके, नेक्स्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट डू नॉट लिव इन आइसोलेशन. लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म आइसोलेशन में रहना पसंद नहीं करते, एक जगह बंद होकर रहना पसंद नहीं करते. ओके, दे इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड ऑल्सो विद द नॉन लिविंग सराउंडिंग इन विच दे लिव. सो वो हमेशा इंट्रैक्शन करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, इवन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ भी, ठीक है? एज ए रिजल्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल गेट एडप्टेड टू देयर सराउंडिंग. सो इसी तरह वो अपने सराउंडिंग को एडप्ट कर लेते हैं. वी फाइंड देयर आर टू डिफरेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर सराउंडिंग. हमारे सराउंडिंग में दो टाइप के ऑब्जेक्ट हैं. क्या क्या? वन इज बायोटिक कंपोनेंट एंड देर इज ए बायोटिक कंपोनेंट. अब व्हाट इज़ बायोटिक कंपोनेंट एंड व्हाट इज़ एबायोटिक कंपोनेंट? देखो, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? ये वही सेम टर्म ही है, सेम चीज़ ही है, ठीक है? बट उसका बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है? जैसे कि बायोटिक का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो बायोटिक ऑर्गेनिज्म, बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आएंगे? प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग, वी पीपल्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? सो हम सब बायोटिक हैं, ठीक है? बायो मीन्स लाइफ. ओके, नेक्स्ट, एयर, वाटर, सॉयल, लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये सब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, है ना? नॉन लिविंग थिंग है. सो ये सब एबायोटिक कंपोनेंट के अंडर आएंगे. सो बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट टेकन टुगेदर कंस्टिट्यूट आवर एनवायरमेंट. सो बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों को मिलाकर ही एनवायरमेंट बनता है, ठीक है? अब पढ़ेंगे बायोटिक एनवायरमेंट. ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑल प्लांट्स एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर्म द बायोटिक एनवायरमेंट. बायोटिक एनवायरमेंट ये सब मिलाकर बायोटिक एनवायरमेंट बनाते हैं. कौन कौन? प्लांट्स, एनिमल, वी पीपल्स, ह्यूमन्स, है ना? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स डिफरेंट कंपोनेंट वन बाय वन. सो ये सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज प्लांट. प्लांट को हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, ठीक है? वी ऑल नो दैट प्लांट लाइक अदर ऑर्गेनिज्म नीड फूड. देखो, प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? सो उसको फूड चाहिए, है ना? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस सबको ही को फूड चाहिए, है ना? ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव द कलरिंग मैटर कॉल्ड क्लोरोफिल. प्लांट्स में एक कलरिंग मैटर होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम क्लोरोफिल बोलते हैं. क्लोरोफिल के लिए ही प्लांट्स का कलर, प्लांट्स का लीफ का कलर ग्रीन इन कलर होता है, ठीक है? द क्लोरोफिल व्हिच इज प्रेजेंट इन लीव्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट. क्लोरोफिल क्या करता है, उसका काम क्या है? ये सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. ओके, द एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड, और वही एनर्जी फूड प्रिपरेशन में यूज होता है. ओके, फॉर दिस प्लांट ऑल्सो यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल. देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फियर से लेगा, नेक्स्ट वाटर एंड मिनरल्स सॉयल से लेगा थ्रू द रूट्स, है ना? दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. देनो अपना खाना बनाएगा, एंड यही प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट दिस प्रोसेस. तो नीचे इक्वेशन दिया गया है. देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द एटमोस्फियर. वाटर कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द सॉयल, है ना? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होगा. क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, है ना? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड अपना फूड बनाएगा. फूड है ग्लूकोज, ठीक है? एंड प्लांट से क्या चीज़ रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है, है ना? द ग्रीन प्लांट व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड, फूड इज ग्लूकोज, आर प्रोड्यूसर. जो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, है ना?
हाँ, और उसको ऑटोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑटो मीन्स सेल्फ, जो खुद बनाएंगे, ट्रॉफ मीन फूड्स, ठीक है, जो खुद खाना बनाते हैं उनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं और ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज कम्प्लीट। आगे देखते हैं, आगे पिक्चर दिया गया है, देखो ये सनलाइट है ना, सन, ये प्लांट, प्लांट क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे है ना, एटमोसफियर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे है ना, नीचे से सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर एंड मिनरल्स, देन फोटोसिंथेसिस होगा। यहाँ कहाँ पर होगा फोटोसिंथेसिस, लीफ में होगा, ठीक है। नेक्स्ट एनिमल, एनिमल को हम कंज्यूमर भी बोलेंगे, ठीक है। क्यों कंज्यूमर बोलेंगे, बिकॉज एनिमल खुद खाना नहीं बनाते, ओके, दे हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे फॉर फूड, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर और हेटरोट्रॉप्स, उनको हम कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, अदरवाइज हेटरोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स क्यों, हेट्रो का मतलब क्या होता है, अदर, ठीक, ट्रॉप्स मतलब फूड, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहा है उनको हम हेटरोट्रॉप्स बोल रहे हैं, ओके। सो देखो पिक्चर में दिखाया गया है, काओ ग्रास खा रहे हैं है ना, और हम वी ह्यूमंस फ्रूट्स खाते हैं, इवन देखो वेजिटेबल्स में साग सब्जी भी खाते हैं है ना, कहाँ से आते हैं, वो सब प्लांट से ही आएगा। नेक्स्ट, ऑल एनिमल्स फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो जितने भी एनिमल्स हैं ना वो ग्रीन प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं एंड कोई कोई इनडायरेक्टली भी खाते हैं। एनिमल्स लाइक कैटल एंड गोट डायरेक्टली ईट प्लांट्स लाइक ग्रास एंड फोडर, सो कुछ एनिमल्स जैसे कि कैटल, गोट, ये सब डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं, ओके, इसीलिए हम इनको प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलेंगे, ओके, और एज हर्बीवोर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल लाइक टाइगर एंड लायन फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स, टाइगर एंड लायन क्या खाएंगे, हर्बीवोर्स एनिमल्स को खाएंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड दे हंट एंड ईट कैटल, गोट एक्सेट्रा, तो जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनको टाइगर एंड लायन खा रहे हैं, उनको मार के खाएंगे है ना। सच कंज्यूमर व्हिच फीड ऑन प्लांट इनडायरेक्टली आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, सो वो इनडायरेक्टली प्लांट को खा रहे हैं, प्लांट को डियर खाया और गोट और कैटल खाए, एंड गोट कैटल को टाइगर एंड लायन खाए, तो ये इनडायरेक्टली प्लांट्स को भी खा रहे हैं है ना, सो इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे, अदरवाइज हम इनको कार्निवोर्स भी बोल सकते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच फीड ऑन बोथ प्रोड्यूसर एज वेल एज द प्राइमरी कंज्यूमर, तो यहाँ पर कुछ अलग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, अलग एनिमल्स भी हैं जो कि बोथ खाते हैं, मतलब प्लांट्स भी खाएंगे एंड एनिमल्स भी खाएंगे, वैसे एनिमल्स को हम ओमनीवर्स बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि बियर, पीग एंड वी पीपल्स आर ऑल्सो ओमनीवर्स, ठीक है। सो देखो हर्बीवोर्स डियर को दिखाया गया है, डियर क्या खाएगा, ग्रास खाएगा, कार्निवोर टाइगर, ये किसको खाएगा, डियर को खाएगा, एंड देखो बियर किसको खाएगा, टाइगर को खाएगा, इवन ये ग्रास भी खा सकता है, ठीक है, बिकॉज ये ओमनीवोर्स है। सो नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डिकम्पोजर भी बोलेंगे, ओके। इन एडिशन टू प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर देयर आर सम ऑर्गेनिज्म व्हिच डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डीके प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो देखो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर को छोड़ के कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म्स भी हैं जो कि डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं, जो मर गए होंगे, जो सड़ गए होंगे उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम डिकम्पोजर बोलते हैं, ओके। डिकम्पोजर क्या करते हैं, डिकम्पोजर ब्रेक डाउन द डेड एंड डीके प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू मिनरल्स, वो क्या करेंगे, डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म्स को वो डेड एंड डीके प्लांट एंड एनिमल्स को वो मिनरल्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ब्रेक डाउन करेंगे एंड मिनरल्स में कन्वर्ट करेंगे। मिनरल्स में कन्वर्ट करने के लिए ये सालों साल लग जाता है, बहुत ईयर्स लग जाता है, ठीक है। दिस मिनरल्स गेट मिक्सड अप विद द सॉयल एंड आर देन अगेन यूज बाय प्लांट, एंड यही मिनरल्स सॉयल में मिक्स हो जाएगा एंड फिर प्लांट उसको यूज़ करेगा, ठीक है। एंड ये मिनरल्स जो सॉइल में मिक्स हो जाता है वो सॉइल का फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, तो यही प्रोसेस को हम रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स बोलेंगे। नेक्स्ट इज फंजाई एंड बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स इन डिकम्पोजिशन, तो फंजाई एंड बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं।
These are so small that they cannot be seen with the naked eye. वो इतने छोटे होते हैं, ये हमारे normal eyes में दिखाई नहीं देते. इसके लिए हमें microscope के under में रख कर देखना पड़ेगा. So ऐसे organism को हम micro organism बोलते हैं, because बहुत ही छोटे होते हैं. Okay? Next, animal and birds like jackal, crow, vulture and kites consume dead bodies of animals. So देखो, कुछ animals dead bodies को feed करते हैं, ठीक है? ऐसे animals को हम दिस प्रोसेस हेल्प इन कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन. और ये अच्छा भी है, ये डेड बॉडीज़ को खाएंगे तो हमारा एनवायरमेंट भी क्लीन रहेगा, है ना. अगर डेड बॉडीज़ रास्ते में ऐसे पड़े रहेंगे तो एनवायरमेंट गंदा होगा, है ना. दे आर कॉल स्कैवेंजर. सो ऐसे एनिमल्स एंड बर्ड को हम स्कैवेंजर बोलते हैं. ओके, सो डू यू नो इफ डेड ऑर्गेनिज्म आर नॉट डिकम्पोज्ड देयर नंबर विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड देयर विल बी नो स्पेस लेफ्ट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. येस, इट इज़ ट्रू. देखो, अगर डेड ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनका नंबर इंक्रीज होगा और हमारे लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा, है ना. जिधर देखो चारों ओर डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज दिखाई देंगे हमको, है ना. सो नेक्स्ट इज सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एयर, वाटर एंड सॉइल कैन कॉजेस वेरियस डिजीजेस. कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे एयर में, वाटर में, सॉइल में, जो कि बहुत सारा डिजीज क्रिएट करते हैं, कॉज करते हैं. सो नेक्स्ट इज एक्टिविटी वन. क्या दिया गया है यहाँ पे, अ जू फीडर वॉन्ट टू सेग्रीगेट द एनिमल लिस्टेड बिलो इंटू थ्री ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ फूड दे ईट. ओके, ये तो ईजी है. जिराफ, लायन, बियर, ये सब नाम दिया गया है एनिमल्स लोग का. सो यहाँ पर हमको हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनीवर्स एनिमल को सेपरेट कर देना है. मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ और बाकी सब आप लोग करिएगा. सो हर्बीवर्स फर्स्ट इज जिराफ, है ना. नेक्स्ट लायन कार्निवर्स में आएंगे, ओमनीवर्स में बियर आएगा, है ना. सो बाकी सब आप लोग करना. नेक्स्ट, देर आर सर्टन मटेरियल्स दैट कैनॉट बी डिकम्पोज इन नेचर. नाउ लेट अस परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटी. सो और एक एक्टिविटी करना है हमको. यहाँ पर क्या करना है, टेक सम पीसेस ऑफ अ न्यूज़पेपर, अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड यूज्ड प्लास्टिक बैग. यहाँ पर हमको तीन चीज़ लेना है. क्या क्या, न्यूज़पेपर लेना है, एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर क्लॉथ लेना है एंड एक यूज्ड प्लास्टिक बैग लेना है, ठीक है. जो पुराना प्लास्टिक बैग होगा तो उसको लेना. एंड कहाँ पर बरी करना है, सॉइल में बरी कर देना है, मतलब सॉइल में गाड़ देना है, ठीक है. एंड वन मंथ के बाद हमको फिर उसी को चेक करना है, फिर उसको डिगअप करना सॉइल को एंड उसके अंदर से ये तीन चीज़ को अगेन निकालना और चेक करना. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखोगे, प्लास्टिक बैग जो होगा उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा. इज इन द सेम कंडीशन एज वन इट वॉज बरीड. पेपर एंड क्लॉथ है, इसमें चेंजेस आएगा, ठीक है. ये पार्शियली डिकम्पोज हो गए होंगे, ठीक है. व्हाई हैज़ दिस डिफरेंस इन दिस मटेरियल ऑकर, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द एक्शन ऑफ द डिकम्पोजर ऑन दैम. बिकॉज देखो, पेपर एंड क्लॉथ है, ये इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाएंगे और डिकम्पोज कर देंगे. बट प्लास्टिक बैग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लग सकते, नहीं फीड करेंगे प्लास्टिक्स को, बिकॉज प्लास्टिक एंड पॉलीथीन्स ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो कि मिट्टी में नहीं मिलते, ठीक है. आगे देखते हैं, वी ऑब्जर्व दैट पेपर एंड क्लॉथ आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. सो इससे क्या पता चला एक्टिविटी से, पेपर एंड क्लॉथ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है. बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिग्रेडेबल मीन्स डिकम्पोजल, मतलब वो ईजिली मिट्टी में मिल जाते हैं, है ना. पेपर एंड क्लॉथ है, इसलिए हम इनको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं. ओके, दिस मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको फीड करेंगे, है ना, एंड उसको मिनरल्स में कन्वर्ट करेंगे. नेक्स्ट इज प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसीलिए मिट्टी में नहीं मिलता, है ना. दैट इज इट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लास्टिक एंड पॉलिथीन ये सब को फीड नहीं करते, है ना. प्लास्टिक एंड अदर सच मटेरियल अफेक्ट द एनवायरनमेंट एडवर्सली. देखो, प्लास्टिक एंड पॉलीथीन एंड अदर थिंग्स जो मिट्टी में नहीं मिलते, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं. देयर एक्युमुलेशन इन द स्वेरेज सिस्टम लीड्स टू ब्लॉकिंग ऑफ ड्रेन इन आवर सिटीज. अगर हम प्लास्टिक पॉलीथीन को नाले में डाल देंगे, नाले में फेंक देंगे, तो पानी को ब्लॉक करेंगे, है ना, जिससे कि गंदगी फैलेगी. बर्निंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स एड्स टू एयर पॉल्यूशन. अगर हम प्लास्टिक्स एंड पॉलीथीन को जलाएंगे भी तो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, है ना.
we should therefore convince our friend and relative not to use plastic bags. So हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक बैग्स यूज़ नहीं करना चाहिए. देखो पिक्चर में दिखाया गया है चिल्ड्रन से एक नो टू प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करना. ठीक है, इसके जगह क्या यूज़ करेंगे, इसके जगह हम पेपर बैग यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. Do you know, in some cities a twin bin system has been introduced for the welfare of environment. देखो twin bin system क्या है, twin bin system जो कि आजकल बहुत सारे cities में use कर रहे हैं. क्या है ये, blue dustbin and green dustbin. Dustbin है, blue dustbin and green dustbin जो कि बहुत से localities में यूज़ कर रहे हैं. इन द ब्लू बीन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर डिस्पोज ऑफ. ब्लू बीन में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको फेंका जाएगा, और ग्रीन बीन में जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा उसको फेंका जाएगा. नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, एल्यूमिनियम फॉयल, बैटरीज, ये सबको ब्लू बीन में, ब्लू डस्टबिन में फेंका जाएगा. और ग्रीन डस्टबिन में कैसा चीज़ फेंका जाएगा, जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, जैसे कि वेजिटेबल वेस्ट, पेपर, क्लॉथ, कार्डबोर्ड्स, ये सब. ओके, सो नेक्स्ट इज, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू सेग्रीगेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड डिस्पोज देम इन एन एनवायरमेंट फ्रेंडली वे. सो ये ईजिली सेपरेट कर देंगे, है ना, ट्विन बिन मैथड से हम ईजिली बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेट कर दे पा रहे हैं, है ना. द किचन वेस्ट कैन बी पुट इन अ पिट डग इन द गार्डन विच इज़ देन कवर्ड विद सॉयल एंड ड्राई लीव्स. देखो अगर हम किचन वेस्ट को सॉयल में गाड़ देंगे फॉर सम डेज, गार्डन विच इज़ देन कवर्ड विद सॉयल एंड ड्राई लीव्स. देखो फर्स्ट क्या करना है, हमको किचन वेस्ट को मिट्टी में गाड़ देना है एंड उसके ऊपर सॉयल एंड कुछ ड्राई लीव्स रख देना है. ठीक है, तो इससे क्या होगा, दिस वेस्ट इन द पीट इज एक्टेड अपॉन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो वो वेस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाएंगे और वो इसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे. दिस कंपोस्ट कैन बी यूज फॉर ग्रोइंग हेल्दी प्लांट्स इन फील्ड एंड गार्डन. और वो कंपोस्ट हेल्प करेगा सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाने में, जिससे कि हेल्दी प्लांट्स ग्रो हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज, इन ऑर्डर टू हैस्टन द प्रोसेस ऑफ कंपोस्ट मेकिंग अ वैरायटी ऑफ अर्थवर्म कॉल्ड रेड वॉर्म्स. देखो और एक वे में भी हम कर सकते हैं, अगर हम कंपोस्ट में कुछ अर्थवर्म को मिला दें, ठीक है, कैन कॉल्ड रेड वॉर्म्स कैन बी मिक्स्ड विद द किचन वेस्ट. अगर हम किचन वेस्ट में कुछ अर्थवर्म्स को भी मिला दें और उसको मिट्टी में गाड़ दें, तो वो बहुत जल्दी ही कंपोस्ट में चेंज कर देगा. दे कन्वर्ट इट इंटू कंपोस्ट वेरी फास्ट. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस वर्म, यूजुअली रेड वर्म, व्हाइट वर्म, अदर वर्म, हम वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म्स डाल सकते हैं. ठीक है, रेड वर्म, व्हाइट वर्म, अदर वर्म्स, ओके, इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग. तो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे वर्मी कंपोस्टिंग. वर्मी कंपोस्ट इज एन एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर. ये सॉइल का फर्टिलिटी बहुत ही जल्दी क्या करता है, चेंज कर देता है, बढ़ा देता है. ओके, जिससे कि प्लांट इजीली ग्रो कर सकता है, हेल्दी प्लांट्स ग्रो करेगा. सो नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3, लिस्ट द थिंग्स और आइटम यू थ्रो अवे एज अ वेस्ट इन द डस्टबिन. डोंट यू थिंक सम ऑफ देम कैन बी रिसाइकल, रीयूज्ड और कंपोस्टेड. ट्राई टू कैटेगराइज द आइटम इन योर लिस्ट इन टू 3 कॉलम अंडर देयर अप्रोप्रिएट हेडिंग. अच्छा, इसमें हमें लिखना है कुछ नेम्स लिखना है जिसको हम रिसाइकल कर सकेंगे, रीयूज कर सकेंगे एंड कंपोस्ट कर सकेंगे. कुछ मटेरियल्स का नाम लिखना है, जैसे कि मैं एक बता रही हूँ और बाकी सब आप लोग करिएगा. जैसे कि पेपर को हम रिसाइकल कर सकते हैं, उसको रीयूज भी कर सकते हैं, उसका कंपोस्ट भी हो सकता है ना. सो बाकी आप लोग करना. सो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू.